हमने इसमें मैदा का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, गेहूं के आटे से बनी है। उसके बाद भी ये बहुत टेस्टी और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी कचौरियां बनके तैयार होगी। एक कचौरी हम तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी कचौरी बनी है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सिकी है ये। नमस्ते, मैं हूँ संगीता शर्मा, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और आलू से बहुत ही बढ़िया नाश्ता। तो चलिए हम देख लेते हैं ये नाश्ता बनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। ये मैंने एक बर्तन में गेहूं का आटा लिया है, जो कि हम चपाती बनाते हुए आटा है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और ये अजवाइन ली है उसको डाल देंगे क्रश करते हुए। इससे इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और 2 चम्मच ऑयल डालेंगे जिससे नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनेगा। और एक बार मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स कर लूँगी मैं, क्योंकि हमें वैसे भी इसका डो तैयार करना है। सब अच्छे से मिक्स हो जाए, ऑयल अजवाइन नमक जो भी हमने डाला है आटे में अच्छे से मिलने तक इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थोड़ा टाइट डो बना लेंगे। ना ज़्यादा नरम रखना है ना ज़्यादा टाइट, मीडियम रखना है। चपाती से थोड़ा सा टाइट लगाना है, थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के हम इसको ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। 2 मैंने बड़े साइज़ के आलूओं को बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इस तरह से छील के मैंने थोड़ा हाथ से ही मैश कर लिया, मतलब एकदम बारीक भी नहीं, हल्के हल्के इसमें छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। और ये है फ्रेश पुदीना। यदि फ्रेश पुदीना आपके पास नहीं हो तो पुदीने का पाउडर भी डाल सकते हैं आप, लेकिन फ्रेश पुदीना डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा काट के डाल दूँगी इसमें। इस नाश्ते में पुदीने का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इसको कई बार बना चुकी इस फ्लेवर में। मैं इसमें अदरक हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। यदि आपको अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर। हल्का सा खट्टा, मीठा, तीखा, मतलब ये तीनों स्वाद मिलकर ये नाश्ता इतना बढ़िया बनता है। और थोड़ा सा मैं साबुत जीरा डाल दूंगी और इस नमकीन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। और स्पेशली इसमें जो मिंट का स्वाद है ना, वो सबसे स्पेशल है। कढ़ाई को गर्म करने रख देंगे और 1 छोटा चम्मच हम ऑयल डालेंगे। सौंफ ली है मैंने, सौंफ को डाल देंगे हम ऑयल में। और ये साबुत धनिया है वो भी डाल देंगे। बस थोड़ा सा ये भुन जाए ऑयल में, बस उतना ही हमें करना है। धनिया और सौंफ भुन चुके हैं, अभी आलू का मसाला हमने जो बनाया वो डाल देंगे हम। ये जो हमने साबुत धनिया और सौंफ डाली है ना, उसमें इस मसालों के मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सब मिक्स हो गया है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और ये जब मसाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। मसाला ठंडा हो गया है, अब हम थोड़ा सा मसाला लेके और छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे हम। इस तरह से सभी मसाले की टिक्की बना के हम रख देंगे। सिंपल बनाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा बनेगा, ज़्यादा कुछ डालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है आपको। मैं तो हमेशा इस नाश्ते को इसी तरह बनाती हूँ। ये नाश्ता बिल्कुल आलू कचौरी की तरह ही लगता है, तो मैं इसका नाम दूंगी आलू कचौरी। तो ये देखिए सभी टिक्की हमने बना के रख लिए, अब फटाफट हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। अब आटे को देख लेते हैं। देखिए आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार और इसको मसल के गूंथ लेंगे हम। इस तरह का आटा चाहिए हमें, न ज़्यादा नरम न ज़्यादा टाइट, इस तरह मीडियम चाहिए। मतलब आटे के मैं 4 भाग कर लूँगी और इस तरह से लोइयाँ बना के रख लूँगी। अब आटे की एक लोई में थोड़ा सा आटा लगा लूँगी मैं, सूखा आटा। अब हम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे, ना बहुत ज़्यादा पतली बेलना है ना बहुत ज़्यादा मोटी, इतनी पतली में रखना है। इस तरह से हम सभी रोटियाँ बेल के एक साथ रख लेंगे। जो हमने रोटी बेल के तैयार करी है उस पर हमने जो ये आलू की टिक्की बनाई है वो रख देंगे हम। और थोड़े थोड़े गैप से रखना है इनको, पास पास नहीं रखेंगे। अब मैं दूसरी रोटी है उसके ऊपर रख दूंगी। इस तरह से थोड़ी सी यदि छोटी लग रही है तो इस तरह से ऊपर वाली रोटी को थोड़ा सा खींचते हुए इस रोटी के उसमें बैलेंस कर ले इस तरह से। और इसको हाथ से इस तरह से दबा दे। अब ये जो मैंने कटोरी ली है छोटी, ये लोई के ऊपर रख देंगे हम।
जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल लेंगे और इसको हाथ से और थोड़ा सा हम दबाते हुए ये कॉर्नर को इसे दबा देंगे ताकि कॉर्नर खुले नहीं, और हल्के से बीच में से भी दबा लेंगे। देखिए मैंने आलू कचौड़ियों को बना के रख लिया है। अब मैं इन कचौड़ियों को सेलो फ्राई कर लूँगी और अब हम इन आलू कचौड़ियों को सेलो फ्राई कर लेंगे। हाँ, धीमी धीमी आंच पे इनको तलना है हमें, तेज आंच पे नहीं तलना है, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएगी और ये कच्ची रह जाएगी। अब एक बार हम पलट देंगे। अब हम फिर पलट लेंगे इनको। ये देखिए एकदम फूली फूली कचौड़ियाँ बनी है। हमने इसमें मैदा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, गेहूं के आटे से बनी है। उसके बाद भी ये बहुत टेस्टी और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी कचौड़ियाँ बनके तैयार होगी और बहुत बढ़िया नाश्ता है ये। आप ज़रूर ट्राई करना, ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा। आप चाहे तो साइज में बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी क्या है कि दिखने में खूबसूरत लगती है। आप इसको दही चटनी या सॉस के साथ या वैसे भी खाएंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। अब ये देखिए पूरी तरह से एकदम बढ़िया सिक गई है, ब्राउन हो गई है। अब हम निकाल लेंगे, इनको ज़्यादा नहीं सेकेंगे। तो ये देखिए आलू की मिनी कचौरी बनके तैयार हो गई है। एक कचौरी हम तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी कचौरी बनी है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सिकी है ये। इस तरह आप भी आलू की कचौरी ज़रूर बनाइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए।